વલસાડ તાલુકાના કરાડા ગામ નજીક પસાર થતી નહેરમાં રઝળતી હાલતમાં મળી આવેલી વિઘ્નહર્તા ગણેશજીની પ્રતિમાને સામાજિક સંસ્થાના સ્વયંસેવકોએ બહાર કાઢી કૃત્રિમ તળાવમાં તેનું ફરી વિસર્જન કર્યું હતું। સુરતની સામાજિક સંસ્થા સાંસ્કૃતિક યુવા વાહિનીના આશીષ સૂર્યવંશીની આગેવાની હેઠળ કાર્યકર્તાઓ પલસાણા તાલુકાના કરડા ગામની નહેર પાસેથી રઝળતી હાલતમાં મળી આવેલ મૂર્તિઓનું કૃત્રિમ તળાવ ખાતે ધાર્મિક વિધિ કર્યા બાદ તેનું ફરીથી વિસર્જન કર્યું હતું। मारू नाम आशीष सूर्यवंशी, सांस्कृतिक रक्षा समिति अध्यक्ष। अमारी संस्था द्वारा 2017 थी लगातार माँ दशा माटानी अने गणेश जी की मूर्ति आज आ डिंडोली खाते नहर, खरवासा खाते नहर, पूना गाम खाते नहर, आ तमाम नहरों माटी दर वर्षे में मूर्ति काढ़ता आव्या छे। आ वखते पण नहीं नहीं करता आ डिंडोली खाते नहर माटी पण 1000 थी वधु पीओपीनी गणेश जी की प्रतिमा अर्ध विसर्जित हालत जे जोता आव्या छे कि एकदम खाड़ी जो पानी हो, गंडारू पानी हो, हालत में अपना देवी देवता की मूर्तिओ रजरती हालत में जोवा मळी। तो अमारी संस्था 100 वधु युवाओं साथे मळी आज सवर थी अमे आ कामे लाग्या छे अने आ तमामे तमाम मूर्ति अमे हजीराना दरिया खाते पुनः विसर्जन करीशुं। हूँ तमाम ने एक ज अपील करवा माँगू छू, जो अपने गणपति जी ने अपने शूँ अपने महोत्सव मैंने बेसाड़े छे, मारी तमाम भक्तजनों ने एक ज अपील है कि जो आवी अव दशा न थवी जोईए अपना देवी देवता की, जो आपने ना बेसाड़ी सकता तो ना बेसाड़ू, पण आवी रीतना अर्ध विसर्जन हालत में गंदा पानी में गटरवाड़ा पानी में अपना गणेश जी की प्रतिमा मूकवी न जोईए। के अने दर वक्त अमे म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर श्री ने पोलिस कमिश्नर ने आवेदन घनी वक्त आई कि पीओपी की मूर्ति पर प्रतिबंध लागू जोईए, तेम छता पण आ तंत्र की लापरवाही कारण आज अपना देवी देवता की आवी अवदशा जोवा मळी रही है। हूँ तंत्र ने एक ज अपील करूँ कि आवता वर्षे जो आवी रीतना आ पीओपी मूर्ति पर वेचाण थशे तो अमारी संस्था धरना प्रदर्शन पण करशे।